हाँ तो भाई अब हम इस क्लास में जो स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका मैनेजमेंट बिल्कुल एक आपका एक ईजी सा सब्जेक्ट जो आपने प्लस वन प्लस टू से पढ़ा है और बिल्कुल इसी से स्टार्ट की थी आपने मैनेजमेंट है ना आज दो ही सब्जेक्ट होते थे आपके फर्स्ट वन इज़ अकाउंटेंसी और सेकेंड वन इज़ बिजनेस स्टडी है ना या फिर आप मैथ ले लो या इकोनॉमिक्स ले लो इस तरीके से आपने किया तो आज आपका है मैनेजमेंट तो सबसे पहला क्वेश्चन आता बैसी व्हाट इज़ मैनेजमेंट मैनेजमेंट क्या है वही जो उसकी प्रोसेस है बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन सभी ने अलग अलग दिए किसी ने कुछ दिया है कोई ये कहता है कि दूसरों से काम कराने की आर्ट को मैनेजमेंट बोलते हैं कोई ये कहता है कि सेट ऑफ फंक्शन इंक्लूड फाइव फंक्शन कौन से फंक्शन है प्लानिंग आगे कौन सा है ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड पांच फंक्शन है ना तो इसको जो मैनेजमेंट होता है वो है सेट ऑफ फंक्शन प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग सेट ऑफ फंक्शंस प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग तो ये क्या ठीक है तो मैनेजमेंट क्या हुआ प्रोसेस है पांच फंक्शंस को एफिशियट और इफेक्टिव मैनर में करने की पांच फंक्शन आपको पता लगा प्लानिंग प्लानिंग में क्या किया आपको क्या करना है फ्यूचर में उसको डिसाइड करना वट टू बी डन इन दियोर जो नियरेस्ट फ्यूचर उसमें क्या करना है? या लॉन्ग टर्म में आपको क्या करना उसकी प्लानिंग करना प्लानिंग में आ गया प्लान बनाना प्लानिंग में एंड देन ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग में क्या आता है कि कौन करेगा ये काम ऑर्गेनाइजेशन पूरा स्ट्रक्चर बनाना ठीक है स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप कौन किसका का सबॉर्डिनेट होगा कौन किसको सुपीरियर होगा ठीक है थर्ड वन आया आपके पास स्टाफिंग जो आपने पोस्ट क्रिएट किए हैं जो वाइस चांसलर उसके बाद नीचे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड जैसे करके उस पर अपॉइंटमेंट करना स्टाफिंग में आ गया रिक्रूटमेंट सेलेक्शन डेवलपमेंट ट्रेनिंग सब कुछ इसमें आ गया फोर्थ आया आपका डायरेक्टिंग अब डायरेक्शन प्रोवाइड करना कि आप लोगों ने अपॉइंटमेंट कर हैं उनको डायरेक्शन देना कि कैसे काम करना एंड देन लास्ट वन इज कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग में देखना जो प्लानिंग में जो ऑब्जेक्टिव रखे थे वो आपके फुलफिल हो रहे या नहीं हो रहे आप कितना गैप लेके चल रहे तो उसको क्या बोलते हैं कंट्रोल तो ये पांच फंक्शन हुए आपके सेट ऑफ द फंक्शन ठीक है तो ये था आपकी मैनेजमेंट की डेफिनेशन उसके बाद आता है कि और किसने क्या फंक्शंस दिए तो लूथर गुल्डिक ने जो फंक्शंस दिए हैं वो आपके पी ओ एस डी सी ओ आर बी पोस्ट को क्या बोलते हैं पोस्ट पोस्ट का क्या मतलब है है पोस्ट का मतलब है आपका प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग और डायरेक्टिंग चार तो एज इट इज फंक्शन है आपके सी ओ फॉर कोऑर्डिनेटिंग आर फॉर रिपोर्टिंग और बी फॉर बस्टिंग ये किसने दिया ऐसे क्वेश्चन आता है कि पहला क्वेश्चन ये आता है कि गुलिक ने कौन कौन से फंक्शन को डिफाइन किया है तो आप पहले लिखोगे कि पोस्ट दिया है कितने फंक्शन है तो आप काउंट करो कितने हैं सेवन फंक्शन हो गए दूसरा क्वेश्चन ये हो गया उसकी उसको फुल फॉर्म क्या है पहले चार एज इट इज प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग और डायरेक्टिंग सीओ कंट्रोलिंग ना होके कोऑर्डिनेटिंग हो गया आर फॉर रिपोर्टिंग एंड बी फॉर बस्टिंग ठीक है उसके बाद आया टेरी ने दिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग एक्चुअलाइजिंग एंड बस्टिंग चार फंक्शन दिए लेकिन जो डेविस ने फंक्शन दिए वो आपके इंपॉर्टेंट है जो आपने पढ़ा है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग जो ये दिए जो आप रे, आप रियल लाइफ में पढ़ते हो पांच फंक्शन जो किसने दिए की टेविस ने आपके डेवलप किया ठीक है यहाँ तक क्लियर अभी तक ठीक है अब आगे देखिए आपके पास आया हैनरी फ्योल ने कौन से फंक्शन दिए हेनरी फ्योल ने दिया पी और ट्रिपल सी क्या दिया है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कोऑर्डिनेटिंग कमांडिंग और कंट्रोल पहला क्या हुआ प्लानिंग ओ फोर ऑर्गेनाइजिंग फिर थ्री सी सी फोर सी फोर कोऑर्डिनेटिंग कमांडिंग एंड कंट्रोल तो पांच फंक्शन किसने दिए आपके हेनरी फेअर ने पांच फंक्शन दिए आपके हेनरी फ्यूर ने ठीक है उसके बाद आया कि कुछ टर्म्स आ जाते हैं कि हु इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट हु इज द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट हु इज द मदर ऑफ़ मैनेजमेंट एंड हु इज द स्पिरिचुअल फादर ऑफ मैनेजमेंट फादर ऑफ मैनेजमेंट आए तो आपको सिंप, सिंपल सा दिखना है पीटर ड्रकर क्या लिखना है ड्रकर ने क्या क्या दिया है हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इसने एम बी ओ दिया है मैनेजमेंट बाई रिजल्ट मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव आपने जो पढ़ा है वो इसी का दिया हुआ है मैनेजमेंट के फंक्शंस मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन एंड आर्ट बहुत सारा कंट्रीब्यूशन इस इसको क्या बोला गया फादर ऑफ़ द मैनेजमेंट ठीक है मदर ऑफ़ द मैनेजमेंट गिल गिलबर्ट इसने क्या दी टाइम और मोशन स्टडी टाइम और मोशन स्टडी की और उसके बेसिस पे इसको क्या बोला है मदर एंड मदर ऑफ मदर ऑफ मैनेजमेंट फादर ऑफ साइंटिफिक टेलर आपने पढ़ा है और फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट हैंनरी फेउल तो ये आपके क्या है जो मतलब कुछ बोला जाता है जो कुछ इसका इन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया फादर ऑफ मैनेजमेंट आए तो आप ड्रेक्कर लिखेंगे फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट आए तो आप लिखेंगे फेयोल साइंटिफिक आए तो आप लिखोगे टेलर एंड मदर लिखेंगे तो linear ठीक है? यहां तक कोई डाउट है मेन लेवल होते हैं मैनेजमेंट के कौन कौन से होते हैं टॉप लेवल आपने देखा हुआ है, देखा हुआ है अच्छे से इस तरीके से होता है ना ऐसा क्यों बना होता है बिकॉज यहाँ पर जो टॉप लेवल होते हैं यहाँ पर कम लोग होते हैं मिडल पे इससे ज्यादा होते हैं और यहाँ पर फ्लोर लेवल पे आपके बहुत ज्यादा होता है फैक्ट्री लेवल पे ये कम होते हैं लेकिन डिसीजन पावर बहुत ज्यादा होती है प्लानिंग इनका काम होता है स्टाफिंग इनका काम होता है सारा इनका काम होता है ठीक है ऑर्गेनाइज ये पूरा पूरा ऑर्गेनाइजिंग में आ जाएगा पूरा अभी स्ट्रक्चर जो बना टॉप मिडल और लेवल ठीक है लोअर लेवल तीन लेवल हो गए अब इन पे ना हर तरीके पर अलग अलग तरीके की स्किल्स ही होती है आपने देखा होगा जो टीचर्स होती हैं उनकी सैलरी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन टीचिंग स्टाफ उनका वर्किंग आवर्स भी कम होता है एज़ कम्पेयर टू टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ अब आप सब एजुकेशन से जुड़ी हुई तो आप ये बात कर सकते हैं ऐसा होता क्यों है क्योंकि वहाँ पर अलग तरीके की स्किल की रिक्वायरमेंट है दूसरे पर अलग तरीके की और तीसरे पर अलग तरीके तीन तरीके की स्किल की होती है आपकी एक तो होती है आपकी कंसेप्चुअल या कोगनेटिव स्किल कंसेप्चुअल कंसेप्ट से बेसिस आइडियाज कंसेप्चुअल मतलब आइडियाज ठीक है दूसरा आपके पास आया ह्यूमन स्किल्स, मतलब इस ये किसी डील करता है पीपल के साथ और तीसरी कौन सी आती है आपकी टेक्निकल स्किल टेक्निकल किसके साथ होगी आपके साथ थिंग्स कोगनेटिव स्किल माइंड से रिलेटेड कैसे आइडियाज बन रहे हैं कैसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर रहे हैं इस तरीके से ह्यूमन स्किल्स रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करनी है और टेक्निकल काम को कैसे करना है अब मुझे बताइए कौन सी स्किल कहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी फर्स्ट वन कंसेप्चुअल स्किल कहाँ पे पड़ेगी रिक्वायरमेंट कंसेप्चुअल स्किल किसको चाहिए कंसेप्ट टॉप लेवल उनको ही सोचना है ना प्रॉब्लम कैसे बनेगी आइडिया क्या है प्लानिंग क्या है तो कंसेप्टचुअल कहाँ पे चलेगी टॉप लेवल के साथ ठीक है उसके बाद आए ह्यूमन स्किल हुमन स्किल इनका काम है कि इनकी बातों को यहां तक पहुँचाना तो यानी मिडल लेवल पर चाहिए हुमन स्किल और थर्ड वन ही आई आपकी टेक्निकल टेक्निकल किसके है इनके साथ आ गई समझ में तो ये क्या हुआ आपका इस तरीके से आपको कनेक्ट करना है क्लियर हो गई बात समझ में आ गया कौन सी स्किल कहाँ रिक्वायरमेंट एक होती है डायग्नोस्टिक स्किल डायग्नोस्टिक स्किल क्या होती है डायग्नोस्ट का मतलब डायग्नोस करना फॉर एग्जाम्पल आप सभी यहाँ बैठे हो आप बी कॉम करके आए हो एम कॉम करके आए हो तो अब मुझे ये पता होना चाहिए कि आप में क्या क्या क्वालिटी है क्या क्या प्रॉब्लम्स है आपकी नॉलेज कितनी है आपकी मतलब प्री टेस्टिंग ऑफ नॉलेज डायग्नोस मतलब आपकी इवेल्युट करना प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है उसको देखना दैट इज कॉर डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक स्किल ठीक है तो ये किसके रिलेटेड होगी ये इन्हीं का काम होता है इनको तो जैसा कहोगे वैसा कर देगे ये पॉलिसी बनाते हैं ये पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराते हैं थ्रू इनके तो ये इनको कौन सी चाहिए कोगोनेटिव स्किल और डायग्नोस्टिक स्किल इनको चाहिए ह्यूमन स्किल्स और इनको चाहिए ठीक है क्लियर हो गई यहाँ तक अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव है और एक आपका है मैनेजमेंट है इनमें कौन सा सुपीरियर है तो आपा तो कुछ कहेंगे नहीं आप कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं अपनी तरफ से हम कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं अभी ये सभी थिंकर्स कह रहे हैं ठीक है ये सभी क्या कह रहे हैं थिंकर्स ने डेवलप किए हमें तो बस उनको समझना है अभी के लिए जो ट्रेडिशनल थिंकर है जो पुराने लोग थे उन्होंने क्या कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन है ना ये वाइड एरिया है और इसके अंडर मैनेजमेंट आता है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या आता है मैनेजमेंट आता है फर्स्ट थिंग लेकिन जो मॉडर्न थिंकर है यानी आज के थिंकर है वो क्या कहते हैं कि देर इज नो डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन दोनों चीजें सेम है एक तो ये ध्यान रहे किसने क्या कहा ट्रेडिशनल थिंकर ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव का जो एरिया है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू मॉडर्न और ट्रेडिशनल uh, ने क्या कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव का एरिया वो ज़्यादा एज कम्पेयर टू मैनेजमेंट और जो मॉडर्न वाले हैं वो क्या कहते हैं कि देर इज देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है यहाँ तक तो क्लियर है आपको ओके okay. अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि एक जो मैनेजर होता है उसके क्या क्या, क्या काम होते हैं क्या क्या रोल्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट में ठीक है ठीक है देखो मीन्स वर्ड ने क्या किया पहले तो क्वेश्चन ही आता है एग्जाम में कि ग ने क्या डिफाइन किया है तो क्या डिफाइन किया है मैनेजर रोल्स क्या डिफाइन किया है क्या किया है मैनेजर रोल्स मैनेजर रोल्स किसने दिया मींसग ने ठीक है उसके बाद कौन कौन से रोल दिए मतलब अब एक चीज आप प्रैक्टिकली समझा थियोटिकल कुछ नहीं समझना इसमें कि एक मैनेजर के एक ऑर्गेनाइजेशन के हेड के क्या क्या उसके फंक्शंस होते हैं क्या क्या रोल प्ले करता है वो उसके रोल रोल क्या होगा रोल क्या होगा देखते हैं सबसे पहले फॉर एग्जांपल आप जैसे कॉलेज में पढ़ते हो तो आपके बाहर से कोई भी मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन आई किसके पास आएगी किसके नाम से आएगी प्रिंसिपल के नाम से आएगी बात समझ में आ रही है तो इंटरपर्सनल में सबसे पहले बात आई कि इंटरपर्सनल का मतलब होता है दूसरे पर्सन ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्शन लेना उनके साथ कनेक्ट होना तो कौन कौन से रोल होते हैं तो सबसे पहले आए आपके पास फिगर हेड अब आप कोई भी बात है फिगर हैड कोई भी कॉलेज में कोई इवेंट होगा कोई भी कोई आ, इ, आ, कोई घटना होगी तो उसके लिए किसको कहा जाएगा प्रिंसिपल के नाम आएगा इंडिया में होती है तो प्राइम मिनिस्टर के नाम है तो फिगर हेड का मतलब होता है कि पूरे फिगर जैसे आपके जितने भी स्टूडेंट है स्टाफ है उसको एक रिप्रेजेंट करेगा प्रिंसिपल पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट करता है प्राइम मिनिस्टर तो फिगर हेड हो गया इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला प्राइम मिनिस्टर ठीक है तो फिगर हेड हो गया वो इंटरपर्सनल का मतलब होता है पर्सनल मतलब हम सभी इंटर मतलब एक दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप हम बना रहे तो इंटरपर्सनल में क्या हुआ फिगर हेड हो गया बात समझ में आ गई दूसरी की क्या चीज है लीडर एक जो मैनेजर होता है वो लीडर भी होता है लीडर का मतलब क्या होता है अब इंडिया को इंडिया का फिगर हेड कौन, कौन होता है मोदी कोई भी रिजल्ट आएगा कोई भी चीज़ पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराना फाइनल कराना किसका काम है प्राइम मिनिस्टर का इसलिए तो प्राइम मिनिस्टर है वो तो वो क्या हुआ लीडर भी है हो सभी को लीड भी करेगा ठीक है और फिर तीसरा आया लाइजन लाइजन का मतलब होता है रिलेशनशिप बनाना लाइजन ऑफिसर के रूप में भी काम करता है मतलब वो क्या कर रहा है दूसरों के साथ रिलेशनशिप भी बिल्ड करेगा जैसे कि मान लो आपका कॉलेज है वो दूसरे कॉलेज के साथ रिलेशनशिप बनाएगा डीएचई के साथ बनाएगा एमडीओ के साथ भी बनाएगा या अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज के साथ बनाएगा तो क्या हुआ लाइजेंस का पहला पर आपने इंटरपर्सनल इंटरपर्सनल मतलब दूसरों लोगों के साथ पहले मैंने क्या कहा फिगर हेड को एक बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है लीडर के रूप में काम कर रहा है और दूसरों के साथ रिलेशनशिप बना रहा है ठीक है दूसरा आया आपके पास इंफॉर्मेशनल दूसरा रोल कौन सा हुआ इंफॉर्मेशनल अभी मैंने बताया कि कोई भी कॉलेज के नाम कोई भी इंफॉर्मेशन को, आएगी कोई भी मतलब पोस्ट आएगी किसका नाम आएगी टू प्रिंसिपल टू वाइस चांसलर टू दी प्राइम मिनिस्टर इस तरीके से आएगी तो फर्स्ट थिंग क्या हुई कि वो आपका मॉनिटर होता है मॉनिटर का मतलब क्या होता है सबसे पहले रिसीव करेगा इंफॉर्मेशन करेगा ही इंफॉर्मेशन रिसीव किसके नाम से आएगी प्रिंसिपल अब मान लो प्रिंसिपल पर के पास इंफॉर्मेशन आ गई लेकिन वो इंफॉर्मेशन थी किसकी कॉमर्स डिपार्टमेंट की तो किसको भेज देगा कॉमर्स डिपार्टमेंट को तो दूसरा रोल क्या होगा डिसमिनीटर कि वो इस इंफॉर्मेशन को उस पर्टिकुलर जिसकी इंफॉर्मेशन है वहां तक पहुंचा देगा अब उसका रिप्लाई भी करना पड़ेगा हमारा डी एच ई थी आया तो डी एच ई से प्रिंसिपल क्या है प्रिंसिपल में जो भी कमेटी बना रही उसको दे दिया अब रिप्लाई करेगा तो कमेटी उसको प्रिंसिपल को देगी और प्रिंसिपल उसको रिप्लाई करेगा तो वो क्या बन जाएगा स्पोक्सपर्स बिल्कुल इजी सी प्रोसेस है फर्स्ट रिसीव किया तो मोनिटर हो गया जिसको भेजनी डिस्मोनीटर हो गया और जब उसके बिहार पर बोला तो क्या हो गया वो स्पोक्सपर्स इन्फॉर्मेशन पहला आपने क्या पढ़ा था इंटरपर्सनल इंटरपर्सनल मतलब दूसरों के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए तो उसमें क्या हुआ सबसे पहले उसमें क्या किया था फिगर हेड देन लीडर और फिर क्या बताया आपने लाइजन ऑफिशियल ऑफिशल अब बात आई इंफॉर्मेशनल की तो इंफॉर्मेशनल में क्या हुआ सबसे पहले मोनीटर फिर आपने क्या किया डिस्मिनेटर और फिर आपने क्या किया स्पोक्सपर्स दो हो गए आपके दो रोल उसके हो गए तीसरा रोल जो दिया वो आपका है डिसीजनल रोल डिसीजंस भी तो लेता है ना मैनेजर यानी एक इंडियन पीएम है वो डिसीजन भी लेगा प्रिंसिपल है वो लेगा वाइसर वो डिसीजन लेगा तो यहाँ पर क्या हुआ क्या नया चीज़ आप कर सकते हो तो एंटरप्रेन्योर के रूप में काम करेगा एंटरप्रेन्योर का मतलब आपने आपने पढ़ा है बोल पहले भी क्या कुछ नया काम स्टार्ट करना एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है जैसे आप लोग पढ़ रहे हो इसके साथ एक और कोर्स कर लोगे ना तो अगर इसको एंटरप्रेन्योरशिप और इंटरप्रेनरशिप की बात करेंगे तो आप लोग का होगा क्या होगा इंटरप्रेनरशिप समझो जैसे आपका बिजनेस चल रहा है उसी में कुछ एडिशन कर दिया विद इन द बिजनेस तो वो का क्या होगा आपका इंटरप्रेनरशिप और आपने कुछ नया ही बना दिया नया ही कर लिया तो वो क्या होगा इंटरप्रेनरशिप ये फर्क होता है एक होता है डिस्टर्बेंस हैंडल किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आएगी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे इंडिया में हमने बात की कि जैसे किसान आंदोलन का हो गया कोविड की प्रॉब्लम आएगी जिससे डिस्टर्बेंस हुई कौन हैंडल करेगा मोदी आके मोदी ने बोला था ना आपको कि भाई ऐसे ऐसे करना है प्राइम मिनिस्टर मोदी जो भी है आपको है ना रिसोर्स एलोकेटर भाई किस ऑर्गेनाइजेशन को कितना रिसोर्सेज चाहिए किस डिपार्टमेंट को कितना रिसोर्सेज चाहिए उसका भी काम किसका होता है उसी हेड का होता है जैसे तो हरियाणा में जो भी कोई डिसीजन लेगा वो लेगा खट्टर साहब तो खट्टर साहब देखेंगे किसको कितनी चाहिए तो उसी हिसाब से देखेंगे ठीक है नेगोशिएटर कहीं पे भी अगर कोई डिस्प्यूट हो जाएगा तो उसी को वो सेटल्ड कराएगा तो ये थे आपके मैनेजरियल रोल्स आए समझ में ठीक है ओके अभी okay. अब कुछ इन्हीं के बेसिस पे कुछ स्टेटमेंट्स आई फर्स्ट स्टेटमेंट है देखो स्टेटमेंट क्या है आपकी कोई बिजनेस किसी और पर्सन ने स्टार्ट किया फॉर एग्जांपल टाटा ग्रुप का बिजनेस किसने किया जमशेद जी टाटा ने स्टार्ट किया है ना और टाटा ग्रुप पूरा बना दिया लेकिन टाटा ग्रुप को कहते हैं प्रोफेशनली है वो प्रोफेशनली का मतलब वो मानता है जो भी आपका एलिजिबल पर्सन होगा योग्य पर्सन होगा वो सीईओ बनेगा कोई फैमिली से रिलेटेड नहीं होगा लेकिन फुली प्रोफेशनल होने के बाद भी क्वेश्चन मार्क यहाँ पर ये लगा क्या उसमें से जो मतलब जो फैमिली का जो इफेक्ट है वो खत्म किया जा सकता है या नहीं बात समझ में आई मैं कह रहा हूँ कि जैसे फैमिली रन बिजनेस है प्रोफेशनली आप अडोप्ट कर रहे हो कि जो योग्य होगा उसको अप्लाई अपॉइंटमेंट करेंगे क्या उस फैमिली के इफेक्ट को खत्म कर दोगे आप हाँ या नहीं नहीं कर सकते चाहे आप कुछ भी कर लो और और इसका एग्जांपल कांग्रेस का इफेक्ट देख लो कांग्रेस है ना पिछले सालों से पूरे गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमती उसका भी इफेक्ट खत्म नहीं होता फर्स्ट स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो और समझो स्टेटमेंट क्या है फैमिली इफेक्ट कैन नॉट बी फुली अबोलिश इवन इन हाईली प्रोफेशनली मैनेजिंग फॉर्म कभी भी फैमिली इफेक्ट को खत्म नहीं किया जा सकता चाहे कितनी प्रोफेशनली मैनेजिंग हो ठीक थी। है दूसरा ये कहता है दूसरा कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए गुड बिजनेसमैन कोई जरूरी नहीं है कि अच्छा बिजनेसमैन बनेगा अब कोई मतलब जैसे मान लो इसका एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर लगा लो क्या हो सकता ये हो सकता है कि सचिन तेंदुलकर जैसा ही उसका लड़का बने क्रिकेट में ऐसा पॉसिबल नहीं है ना ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल है जैसे कि कोई प्रोफेसर है उसका लड़का प्रोफेसर बने ये कितनी गारंटी है और उसका जैसा ही प्रोफेसर बने अगर अच्छा प्रोफेसर है तो ये तो गारंटी नहीं है ना तो ये क्या कहता है इट इज़ नॉट ऑलवेज नॉट ऑलवेज लिखा हुआ है मतलब पॉसिबल हो तो सकता है लिखा नॉट ऑलवेज नॉट ऑलवेज पॉसिबल दैट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बिजनेस मैन विल बी ए गुड बिजनेस मैन ये भी ठीक बात है आई बात समझ में तो यहाँ तक कोई डाउट है अभी तक आपको क्लियर है ना